हेलो सर, मैं अजय बात कर रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? अजय सर, अजय। अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं? कर्नाटक। अजय जी थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए, आवाज नहीं जाएगी नहीं तो आपकी। कर्नाटक से सर। कर्नाटक? हाँ कर्नाटक से बात कर। हाँ जी बोलिए, कोई अनुभव देना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं सरल सर सरकार के दरबार के बारे में अनुभव देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा तेज आवाज बोलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कीजिए अपना। जी हाँ बोलिए सर। वही मैं वहाँ पे गया था, हवन किए मैंने। जी सर, मेरा अनुभव है कि पॉजिटिव अनुभव है। अच्छी बात है। हाँ पॉजिटिव अनुभव है, वहाँ पे जो है बंधन वगैरह भाग जाते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है सर, आवाज़ थोड़ा सा तेज, फोन को अपने पास रखिए नहीं तो लोग सुन ही नहीं पाएंगे। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए सर, दरबार के बारे में बताना चाह रहा था कि वहाँ पे कोई शक्ति है सर वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब हवन जब करते मैंने महसूस किया है क्या बंधन जब आ गया मैं उस पर मुझे एक प्रॉब्लम था, तो मुझे पता नहीं था कि वो प्रॉब्लम के लिए मैं वहाँ पे गया हूँ, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम से गया था। मेरा सर दर्द से प्रॉब्लम था 15-20 साल से लगे, तो वहाँ पे बबूत दिया जाता है, तो बबूत खाने से ही सर में से कुछ नस में से निकल कर उड़ गया सर। स्वागत ही है। फिर नेक्स्ट जो अनुभव हुआ, मैं वापस आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि हवन नहीं करता है, एक महीने के बाद किया, बड़ी तकलीफ थी कि जा ही नहीं पा रहा था, मतलब निकलने के लिए नहीं हो रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था हवन के लिए। तो गुरु जी बाबा जी सब सपने में आते थे, तो मन बना गया कि जाना ही है अभी। गया वहाँ पे हवन किया, हवन में एक अनुभव होता था सर मेरा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है कि जैसे कि कोई मैं हवन के सामने बैठा हूँ, मेरे नसों में से कुछ निकल कर जाता था, वो मुझे महसूस होता था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो हर दिन हर एक अनुभव होता था वहाँ पे। चलिए बहुत पावर। मैं सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए तो गया था नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ वो बहुत जैसे में मुंह में ज्यादा हवन नहीं गया था, जस्ट फर्स्ट दिन जिस दिन गया था उसी दिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, सर दर्द का। अजय जी आप उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको बहुत कुछ सुकून मिला है, बहुत कुछ लाभ मिला है। आपने प्रक्रिया पूरी कर ली? हाँ सर पूरा किया है सर। चलिए आपने प्रक्रिया पूरी कर ली, आपको पूरा लाभ मिला, कोई विशेष बात कहना चाहेंगे? हाँ वही सर, अभी जो सब चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए, जो फंडगोर सरकार गुरु जी के बारे में और सर मनु भाई जी वो कुछ पैर में खुंदर रहे, जूतों से मार रहे, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है कि माई वहाँ से बोल करके फंडगोर सरकार को पाखंडी सरकार कहती है, मनु भैया को बड़बोला शेख चिल्ली कहती है, उनके भी तो लोग सर, उनके भी तो लोग हो गए ना श्रद्धा वाले। सही है, सही सही बात है सर। जब वो मुझे कहती है, मुझे कह रही है, मुझे कहती है कि संजय सनम अपनी दुकान चला रहा है, वो अच्छा लगेगा आपको? नहीं सर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो प्रोफेशनल, कोई एक लेडी कह रही थी कि दरबार प्रोफेशनल ऐसे लोगों को बिठाया नहीं है सर वहाँ पे, प्रोफेशनली जो बात करते हैं यूट्यूब में अगर लोगों को खींच रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं है वहाँ पे। तो वो किसकी कमी है सर? पैसा तो हर चीज का लिया जा रहा है, फिर क्यों नहीं बैठ रहे प्रोफेशनल लोग? नहीं सर, वो गुरु जी शायद सोचे भी नहीं होंगे, वो बनते बनते बन गए सर यूट्यूबर, ऐसे नहीं है कि उनको बिठाना ही है बनाना ही है। मुझे हाँ अजय जी, हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ अजय जी कि वो सोचे नहीं होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब कोई बात कोई ऐसी बोलता है तब तो उन्हें पता चलता होगा, वीडियो तो आते होंगे, देखते होंगे कि भाई कोई बंदा ऐसा बोल रहा है हमारी तरफ से, हमारी दरबार से माही है, वो उन्होंने किसी के लिए ये कहा है, तब तो उन्होंने उनको जरूर ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हो रही है। हाँ सर समझनी तो चाहिए। अभी देखिए कैसे वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, इंडिविजुअली बना देते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो शायद ये पता भी नहीं होगा, अगर पता होगा तो बता देना चाहिए कि ऐसे मत भेजो। और माई जी भी जो है किसी और के बारे में कहने से पहले वो मानसिकता जो सामने वाली की है उसको पढ़ लेना चाहिए,
समझ लेना चाहिए, साइकोलॉजी समझ लेकर बात करना चाहिए। नहीं, किसी पर आरोप लगाने का मतलब क्या है? हम तो देखिए पंडोकर सरकार के भी ले रहे हैं, आपके भी ले रहे हैं, हमने तो आपको एक बात भी मना नहीं किया। आपने अपना अच्छा अनुभव बताया, उसको हमने कहा स्वागत योग्य अनुभव है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ऐसे सौभाग्यशाली लोगों की तादाद बढ़े, लेकिन किसी पर, किसी भी सनातन संस्कृति के दरबार पर, किसी भी गुरु पर आप, आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप शालीन शब्दों से बात करो, और मीडिया के पर्सन पर जो कि दोनों की बातें ला रहा है उस पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ सर, मैं वो माही जी से ही कहना चाहता हूँ कि आप पहले साइकोलॉजी पढ़िए, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करना चाह रहे हो वो क्या साइकोलॉजी पढ़ेगी, उसको बताना चाहिए। साइकोलॉजी पता नहीं है उसको, वो दूसरों की क्या पढ़ेगी बताइए, उनको अपनी साइकोलॉजी का पता नहीं है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। सही है, अगर आप वैसे होते, अगर किसी दरबार के हिसाब से अगर काम कर रहे होते तो आप फ्री में ही रखते। विनम्रता से रहना चाहिए आपको, गंभीरता से रहना चाहिए, बहुत शालीनता से बात करनी चाहिए। दरबार में रह करके इस तरह की रुल झुल बातें थोड़ी होती सर। चलिए, आपका लाइन कट रही है बार बार, लेकिन आपकी बात तो पूरी हो गई ना, कोई बात और कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल कहिए। हाँ सर, वो मनु भाई जी ऐसे वीडियो वाले हैं, एक दिल्ली वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट, ऐसे आप फैन में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर दरबार में कमियां होती है, वहां से भी कमियां होती है, यहां से भी कमियां होती है, लोग समझ नहीं पाते सर। जो अनुभव मैं कर सकता हूँ सभी नहीं कर पा कर नहीं पाते। अजय जी, एक बात बताऊँ, हर दरबार में शक्तियां भी होती है, व्यवस्था की कमियां होती है, शक्तियों में कोई कमी नहीं होती, व्यवस्थाओं की कमियां होती है। हम सभी समस्त दरबारों की समस्त शक्तियों को प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, समस्त देवियों के शक्तियों के साधकों का अभिनंदन करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जब आपके दरबार से कोई किसी पर प्रहार करेगा तो क्या फिर सामने वाला चुप रहेगा? नहीं सर, प्रहार करने तो, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना सर, बहुत बहुत ओवर है सर, जो साइकोलॉजी उनके माइंड सेट दिख रहा है ना, वो बहुत ओवर दिख रहा है ना। नहीं सर, अगर तो ऐसा हो जाएगा कि उन्हीं के भक्त उन पर ही अलग आप मतलब जैसे कि सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, इतना ओवर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अजय जी, आपके दुख दर्द को मैं समझता हूँ, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आपस में श्रेष्ठ लोग, साधक लोग इस तरह की बात करें, हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है, और हमने ये कोशिश की थी कि समस्त लोग जो साधक लोग हैं वो एक दूसरे का सम्मान करें, और एक तरह से माहौल भी बन गया था, लेकिन माही ने परसों फिर उस माहौल को उखेड़ा। उन्होंने मनु भाई साहब को के लिए भी बोला, बड़बोला शेख के लिए, पंडोकर सरकार को भी बोला, पाटनी सरकार। तो भाई आपके यहाँ से जब आक्रमण शुरू कर दोगे तो फिर जिस व्यक्ति के पास जो हथियार है वो उसका इस्तेमाल करेगा ना? वो तो करेगा सर। अब ये आपको भी ऐसा ही लग रहा है, फील हो रहा है कि मुझ पर भी हो गया तो मैं भी आक्रमण करूंगा, ऐसा ही फील होता है सर। हाँ, किसी के साथ होता है, ये बात नहीं है कि अच्छा, होता नहीं है। मेरे लिए तो मुझे उतनी कोई तकलीफ नहीं थी, अगर उन्होंने सत्य सनातन संस्कृति के अन्य साधकों के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही होती तो मैं अपनी बात पर कोई इग्नोर कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे लिए। लेकिन आप तो वापस, हम एक शांति की, जो हमने एक सद्भावना की कोशिश की, हमारी पूरी कोशिश पर आप पलीका लगा रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो ना। कितने लोगों का, इसकी श्रद्धा टूट रही है, कितने लोगों की भावना टूटी है, कितने लोगों का दिल टूटा है इस तरह की भावना से, इस तरह के कुकृत्य से। नहीं, वो तो होता है सर, लेकिन इससे पहले जब आपने स्टार्ट की थी तो लोगों ने बहुत आपके आपसे बात करने के लिए, जैसे कि नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए, लेकिन ज्यादा लोग क्या करते हैं ना सर, वहाँ उनको अपने बॉडी में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी भी दरबार की शक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठाता, मैं भी मानता हूँ कि दरबार में भी शक्तियाँ हैं। सुनिए, लोगों के मन में जो फीलिंग आती है, लोगों के मन में व्यवस्था संबंधी फीलिंग आती है, लोगों के मन में जब उनकी कोई नहीं सुनता तब फीलिंग आती है, तो देखिए लोग अपनी बात कहते हैं। आज आपका काम हो गया, आप कितनी खुशी से कह रहे हैं,
अच्छा लग रहा है हमें भी, लोगों तक हम भी पहुंचाएंगे, हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आदमी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया खर्च करके किसी न किसी मजबूरी में कहीं से पैसा लेके कुछ भी करके आता है, और अगर वो फिर उसका काम नहीं होता और वो बार बार आपको फोन करता है, उसके फोन को कोई उठाता नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो क्या उसका दर्द नहीं बोलेगा? सर वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है सर, जो गुरुजी कहते हैं ना सर, मेरी बात सुनिए सर, ये व्यवस्था नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जब आपके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, लोगों की तकलीफ हो भी सकती है, आपको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रखनी पड़ेगी जिससे लोगों के फोन उठाए जाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए। सर आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम भावनाओं को भी समझता हूँ। सर वहाँ पे क्या है ना, आप तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो या बाहर के लिए प्रॉब्लम हो, तो आप बाबा जी को और भगवान को भोलेनाथ को याद कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर मैं मानता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि लोग वहाँ याद नहीं करते? अनुभव किया है। नहीं सर, आपको आपको हुआ है, लोग तो वहाँ याद करते ही है, याद करने के बाद में अगर किसी को नहीं होता तो फिर उसे उसे तो दवाई चाहिए ना, कोई ना कोई चाहिए सर, चाहिए वो तो चाहिए। वो देखिए जिस पर बीतती है ना अजय जी, उसकी पीड़ा वो ही समझता है, भगवान नहीं करे को, भगवान नहीं करे कोई इस तरह से बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी के आंसू उसे बोलने के लिए मजबूर करते हैं। आपकी खुशी जैसे बोली है, आपका मन जिस तरह से खुश होकर बोला है, उसी तरह से किसी का दर्द भी बोलता है। सर सही है सर, आपका बात कहना सही है ना, तो लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ बात है, तो मैं भी हाँ सर, थार संभाल होनी चाहिए। यहाँ की एक मान्यता है, नियम है कि यहाँ के दरबार से फिर कोई दूसरे दरबार में कहीं और नहीं जा सकता, तो जब नहीं जा सकता तो फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, जब भी उसको तकलीफ हो आप उसकी केयर करो, उसकी आवाज सुनो, उसको राहत प्रदान करो। सही है, सही बात नहीं है? है सर। चलिए अमर जी, आप हमसे जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका काम हुआ, और बिल्कुल शक्तियां हैं तो काम तो होगा ही, व्यवस्थाओं में खामियां हैं, कहीं कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, कहीं लोग नहीं समझ पाते, कहीं वो लोग समझा नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।